हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये आप जेंट्स स्वेटर पे, बेबी ब्लैंकेट पे, या लेडीज कार्डिगन पे, जैकेट पे, किसी पे भी बना सकते हैं। उल्टी तरफ से फ्रेंड्स ये इस तरह से दिखाई देता है। तो आइए बना के बताते हैं कैसे बना है ये डिजाइन। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने एक ये बेसिक रो तैयार कर ली है। तो डिज़ाइन हमने राइट साइड से शुरू करना है, तो इसके लिए हम एक सिंगल क्रोशिया से पहले रो बना लेते हैं, फिर करते हैं डिज़ाइन स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये 16 मैंने डबल क्रोशिया बनाए थे और 16 ही ऊपर सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ दो चेन बना लेते हैं और एक हम एज स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में इस तरह से एक स्टिच लगाएंगे। अब एक चेन करेंगे और धागा इस तरह से लेंगे, लूप निकाल लेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच लूप निकाल लिए हमने। अब देखिए इसको यहाँ से ऐसे निकालना है। अब यहाँ हमने ये वाला स्टिच छोड़ देना है, तो यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से बनाएंगे ऐसे दो, और तीसरी बार हमने तीनों स्टिच को एक साथ बना लिया। अब नेक्स्ट यहाँ एक स्टिच बनाना है ऐसे डबल क्रोशिया से, एक चेन कर लेंगे और यहाँ पर हमने पांच लूप निकालने हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच लूप निकाल लिए। तो यहाँ इस तरह से ये देखिए यहाँ निकाल लेंगे इसको और ये स्टिच छोड़ के यहाँ पर आ जाएंगे, एक दो, दो बार इस तरह से बना के तीसरी बार हमने ये तीनों को एक साथ बनाना है। बहुत इजी है फ्रेंड्स। एक स्टिच बना लिया, अब एक चेन करेंगे, पांच बार लूप निकाल लेंगे, एक दो तीन चार पांच। अब यहाँ हमने ये वाला स्टिच छोड़ के अगले में आ जाना है, एक
दो, ये देखिए इसको छोड़ के यहाँ आ जाने हमने, और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। नेक्स्ट रो पे आगे एक चेन करेंगे, ये रो हमारी सिंगल क्रोशिया की रहेगी। ये देखिए ये हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाना है पूरी रो में। ये देखिए ये रो हमारी सिंगल क्रोशिया की आ गई है। नेक्स्ट रो पे आ गए, नेक्स्ट रो पे हमने डिजाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करना है, तो दो चेन बना लेंगे, एक दो। यहाँ तीन हमने, ये देखिए तीसरा स्टिच लगाया, तो इसके साथ हमने एक चेन बनानी है। ये दो हमारे स्टिच, पहले हमने एक बनाया, अब की बार हमने यहाँ दो बार बना दिया। फिर हमने यहाँ पे एक स्टिच लगाना है डबल क्रोशिया से, एक चेन करनी है, तो पांच बार लूप निकालना है यहाँ से।
ये देखिए यहाँ लास्ट में हमने दो स्टिच लगा लेने हैं डबल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से आएगा। नेक्स्ट रो पे आ गए, नेक्स्ट रो हमारी सिंगल क्रोशिया की रहेगी। इसी तरह हर बार हमने डिजाइन को शिफ्ट करते हुए बनाते चले जाना है, तो हमारा डिजाइन बन के तैयार है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए इसे। ये देखिए डिजाइन हमारा बनके तैयार है। अब आप बनाइए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।